आज हार्दिक तोड़ेंगे मौन उनकी सीडी के पीछे कौन। गुजरात में हाल में हुई सीडी कांड पर आज हार्दिक पटेल बड़ा खुलासा कर सकते हैं। माना दरअसल ये जा रहा है कि मानसा में होने वाली जनसभा में बीजेपी हार्दिक पटेल के निशाने पर होगी, लेकिन इस बीच मुश्किल ये भी है कि कांग्रेस से अब तक हार्दिक पटेल की बात नहीं बन पाई है। ऐसे में गुजरात चुनाव के लिहाज से मानसा में होने वाली रैली बेहद अहम मानी जा रही है। गुजरात की सियासत में भूचाल लाने वाले इन सीडी कांड पर आज हार्दिक पटेल हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। सीडी कांड का सच सामने लाने के लिए हार्दिक ने आज गांधीनगर के मानसा में महासभा बुलाई है। प्रशासन ने अब तक इस सभा की इजाजत नहीं दी है, लेकिन विरोधियों पर वार करने के लिए हार्दिक के समर्थक जी जान से इसकी तैयारियों में जुटे हैं। हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट कर समर्थकों से जनसभा में जुटने का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि हार्दिक इस सभा में बीजेपी पर बड़ा वार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सीडी के सामने आने के बाद हार्दिक ने इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया था। जीतूभाई वाघाणी और उसके एक सहयोगी बिल्डर बिमल पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सूचना से ये सब कथित सीडी कांड बनाया गया है। वो सौदा 40 करोड़ में तय हुआ था। हालांकि बीजेपी नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीडी कांड से उसका कोई लेना देना नहीं है। हार्दिक भले ही अब तक बीजेपी पर हमलावर हों, लेकिन चुनाव नजदीक आने के साथ साथ उनकी मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। एक ओर बीजेपी से उनकी दूरी बनी हुई है और दूसरी ओर कांग्रेस से उनकी बात नहीं बन पा रही। कई दौर की बातचीत के बाद पाटीदार आरक्षण के किसी फॉर्मूले पर अब तक फाइनल मोहर नहीं लग सकी है। इस बीच बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने भी जल्द अपनी सूची जारी करने का ऐलान कर दिया है। एक दो दिन में लिस्ट आएगी। नंबर एक एनसीपी और जेडीयू वाले के हमारे संपर्क हैं। अलायंस करने की बात तो वो करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अलायंस हो। अगर अलायंस हो गया तो निर्भर उस पर करेगा कुछ सीटों का, इसलिए आज हमने उसको रोका है। ऐसे में हार्दिक की टीम ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में बातचीत नहीं बनी तो दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। जब मीटिंग खत्म हुई तो भरत सिंह सोलंकी चले गए अहमदाबाद। ना तो हमारे अशोक गहलोत से बात हो रही है, ना किसी से बात हो रही है, ना हमें फोन आया है। ये हमारे पाटीदार लीडरों की अपमान की बात है, पाटीदार समाज के अपमान की बात है। आज है गुजरात में आरक्षण की मांग लेके हम विरोध पक्ष के लिए जो कांग्रेस है उसके पास हम बात हमारी रखे थे, उसके लिए हमें बुलाया गया था। लेकिन अगर हम ये बात हम 24 कलाक का अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस को कि अगर वो गुजरात में आना चाहती है, गुजरात में हमारे पाटीदार समाज की वो अगर रिक्वायरमेंट है उसकी, तो पाटीदार समाज की मांग को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें, हमसे बैठक करें, हमसे बात करें, वरना 24 घंटे के बाद हम गुजरात में जैसे भाजपा का विरोध करें ऐसे हम कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि क्या हार्दिक की टीम से किए गए वादों से अब कांग्रेस पीछे हट रही है? पाटीदार आरक्षण पर बात नहीं बनी तो हार्दिक क्या करेंगे? बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हार्दिक के पास क्या विकल्प हैं? उम्मीद है कि 24 घंटों के भीतर इन सवालों के जवाब जनता के सामने आ जाएंगे। इस बीच सीडी कांड पर हार्दिक के खुलासे पर आज सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अगर मानसा की जनसभा में सीडी कांड के सूत्रधार का खुलासा होता है तो ये गुजरात में चुनाव प्रचार की पूरी तस्वीर बदलने को काफी होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।